बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुराची। हुजूर वाला, आज मैं मौजूद हूँ जिला दरगाजी खान और तहसील उसकी तोसा में। आज मैं तोसा में क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और इवन के डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इनके काफी चर्चे हैं। वाला, आपको याद होगा कि निमरा काजमी ने शादी की थी तोसा के एक शहरी से जिसका नाम था नजीब शाहरुख। उनसे शादी करने के बाद फिर ये मसला काफी वायरल हुआ, जिस तरह मेहदी अली काजमी की बेटी का ये मसला वायरल हुआ। कहा यह जाता गया कि ये गैंग है मुबैना तौर पर और लोगों को वरगलाता है, वरगला कर उनसे शादी करता है, फिर उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन निमरा तोसा में आई, तोसा में आने के बाद फिर वापस एक मरतबा कराची में गई। कराची में जब गई तो फिर हमारे बड़े बड़े जो सीनियर एंकर हजरात हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा, आपने यकीनन सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको सुना भी देते हैं। लेकिन जब उसके बाद फिर निमरा वापस तोसा में आई तो फिर हमने इनसे रब्ता किया कि इनकी जबानी इन्हीं की कहानी जो है वो सुना। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नजीब शाहरुख और उनकी वाइफ निमरा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके कैसे हैं मिजाज? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए। अच्छा, ऐसा है कि पहले हम गुफ्तगू करते हैं निमरा से, क्योंकि फर्स्ट हुजूर वाला, आप हमें बताएं, क्योंकि मुख्तलिफ रिवर्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी मुलाकात नजीब से किस तरह हुई थी? पबजी पर हुई थी। और उसके बाद फिर आगाज किस तरह हुआ? से फिर हम मतलब इन्होंने मुझे बोला कि मिल लेते हैं, फिर एक दो दिन बाद हम लोग मिल लेते थे, फिर उसके बाद थोड़े दिन मिले, फिर बातचीत हुई, फिर महीना महीना ऐसे मिलते गए, तो फिर आगे जाकर इन्होंने मुझे पोस्ट कर दिया। अच्छा, मुलाकात कहाँ हुई थी? सीवीओ पर। सीवीओ पर, अच्छा ठीक हो गया, एक ब्रांड का नाम है सीवीओ। चलो बहरहाल राजीव, आप बताएं आपको ये पहली नजर में किस तरह लगी? बहुत अच्छी लगी थी सही। जी, पहले तो पबजी में दोस्ती थी, पबजी से फिर व्हाट्सएप पे फिर बातचीत चलती रही, काफी अच्छा रिलेशन रहा, फिर मिले कुछ दिन बाद, तो मिलने के बाद अच्छी लगी, तो मैंने इसे प्रपोज किया था और शादी का ऑफर किया था। हम आते हैं बेसिकली अपने मुद्दे के ऊपर, इनकी मुलाकात हुई, आपने पहले भी सुना होगा कि इनकी मुलाकात पबजी पर हुई, जिस तरह मेहदी अली काजमी साहब की बेटी के बारे में कहा जाता रहा। तो बहर अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि काफी लोग ये समझते हैं कि तकरीबन एक जैसा केस है मेहदी अली काजमी का और निमरा काजमी का, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है, जो मैं समझता हूँ या बाकी लोग भी कुछ समझते हैं कि इसमें काफी डिफरेंस है। क्योंकि अगर बात की जाए उनकी एज के हवाले से, तो जो मेडिकल बोर्ड बैठा था उन्होंने उनको अंडर एज डिक्लेयर किया था, जबकि निमरा का जो बोर्ड बैठा था उनको एज अंडर एज डिक्लेयर नहीं किया था, जिस वजह से निमरा आज शाहरुख के पास मौजूद है। तो हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। अच्छा निमरा, आप ये बताएं, जब आप तोसा में आई, तोसा में आने के बाद कुछ दिन आपने यहाँ गुजारे और उसके बाद फिर आप वापस चले गए, वजह क्या बनी? ये लेकर ही जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं चले जाती हूँ, इस वजह से मैं घर से चली गई थी। तो इनकी कॉल आई, तो मैं बस पे चढ़ने ही वाली थी, इनकी कॉल आई तो फिर मैं रुक गई थी, फिर वहाँ से पुलिस वाले मुझे लेकर चले गए थे, फिर वहाँ से फिर जो मीडिया पे चली है पूरी बात। पुलिस वाले आपको लेकर गए थे? जी सही होगा। नहीं, आप जब इधर से गई दोस्तों से, आपने इनको नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ घर? ये घर पर नहीं था, ये घर पर नहीं थे। आप कहाँ पे थे? मैं घर से झगड़ा करके आई थी, जो मरासम तरीका कार था, क्या उनको बता देती फिर चली जाती? ये नहीं लेकर जा रहे थे मैम, सभी तो गए। क्यों नहीं? मैंने इसे कहा था कि 15-20 दिन बाद चलेंगे, थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए। तो इसने कहा नहीं मुझे जाना है। फिर ये इसने मुझे बताया मैं फलां जगह पे हूँ, मैंने वो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, मैंने पुलिस को वैसे एफ आई आर कटवाई हुई थी ना, सही हो, तो मैं उनको मैंने कहा वो फलां जगह का मुझे बता रही, तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी भेजी, इनको पिक किया, कोर्ट में पेश किया। कौन बता रही फलां जगह का? निमरा आपके साथ रहता भी था? जी ठीक हो, बाद में रब्ता किया 2-3 घंटे के बाद कि मैं फलां जगह पे, मैं बस पे बैठी हूँ, मैं बस पे नहीं बैठा, तो जैसे रब्ता हुआ मैंने उसको बताया, उसने डाला भेजा उसी से करीब जगह का, उन्होंने इसको पिक किया और कोर्ट में हमें पेश किया। और उसके बाद फिर आपने थ्रू एक प्रॉपर कोर्ट के जरिए जस्टिस आमिर हुसैन की मिलकर उन्होंने सरवरी की थी, तो एक प्रॉपर एक लीगल तरीके से इनको अपने वालिदैन के पास जाने दिया। जी, वो इसलिए कि अगर वो कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे केसेस में होता है कि पेरेंट्स अपने बेटियों को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ कर ना सके, ताकि वो प्रॉपर कानून ना हो, कुछ कर भी सके तो वो हमारे पास प्रूफ हो कि ये उनके पास है और ये इन लोगों ने किया। सही होगा। अच्छा निमरा, आपको ये बताएं
कि जब आप इधर से चली गई उसके बाद पीछे आपकी जो सास है, जो इनकी वालदा है, उन्होंने एक बयान दिया था जो उनका वीडियो बयान था, जो कि कह लीजिए कि आपके बयान की कह लीजिए कि बिल्कुल अपोजिट था, तो वो तो कुछ और बयान था, आप कुछ और बयान कर रही थी। मुझे उनका कुछ नहीं पता, उनका दिमाग कभी कुछ और ज्यादा, कभी कुछ और, इनकी जो खाला है ना उनको भटकाती रहती है। सही हो इसलिए बस। अच्छा नहीं, उन्होंने कह लीजिए कि फिर आपने बयान वापस लिया जब आप वापस घर में? ना कुछ भी नहीं, मैं तो रिश्ते खत्म कर दिया उनसे। अच्छा अभी आप अपनी सास के पास नहीं रहती? नहीं हम पहले से सेपरेट थे, पहले से सेपरेट, और ये इसके घर से जाने से पहले से हम सेपरेट थे, हमारा घर अलग था। अच्छा अलग था, मेरे से तो यानी फिर भी कह लीजिए बहुत होती है ना जी, तो उनका शिफ्ट का तहाज आपके ऊपर नहीं है। चलो सही हो गया सिस्टम। अच्छा इसके अलावा आप ये भी बताते हैं कि एक तो था आपकी सास का बयान, चलो हम ये कह लेते हैं कि आपका उनके साथ जो रिश्ते नाते आपने तोड़ दिए, बात खत्म हो गई, आप अभी तक भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत गुस्से में उसने बयान दे दिया था, मैंने उसके बाद तो कोई बयान नहीं दिया। ठीक है ना, वो बयान था, उन्होंने बकायदा कहा था। अच्छा उन्होंने बकायदा कहा था कि हमें डर लगता है, ये कहा था उन्होंने जी? जान से मार दूंगी। अच्छा नहीं, चलो एक बयान तो उनका हो गया, उनकी इनकी वालदा का। दूसरा बयान आपने खुद दिया था, ठीक हो गया, तो उस हवाले से भी कुछ के उसकी सदाकत है? कौन सदाकत? आपने ये बयान दिया था कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद होता है, पुलिस एफआईआर में लिखा हुआ है कि इन्होंने तशद्दुद किया आपके ऊपर, तो इस वजह से फिर आप चले गए? नहीं नहीं, वो तो बस लिखना होता है ना, जैसे वकीलों को कुछ ना कुछ, तो इसलिए उन्होंने लिखा। अच्छा एक और बयान आपका था, मेरे ख्याल में आपने बुशरा शकील को दिया था, मेरे अभी कुछ देर पहले भी उनसे बात हुई है बुशरा शकील से, तो उनको जो बयान आपने दिया था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, मेरे पास अभी मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं आपका बयान आपको सुनवा भी देता हूँ। जो आपने इनकी खालाओं के बारे में कहा था वो दुरुस्त कहा था? इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती मैं। फिलहाल उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। चलो पर आपका ये राइट है, आपको उसके ऊपर जो कुछ कहना चाहिए जो कुछ ना कहना चाहें, तो हम आगे चलते हैं। शाहरुख आप हमें ये बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, यही पे बिजनेस। किस चीज का? मेरा बाइक शोरूम है। बाइक शोरूम है, ठीक हो गया। आप कितने बहन भाई हैं? हम चार बहन भाई, चार तीन भाई एक बहन। तीन भाई और एक बहन। आपके वालिदैन क्या करते हैं? जी मेरे वालिद फौत हो गए, मेरी वालिदा वो करना वो करना होगी, यानी आप जो भाई हैं वो मिलकर चलाते हैं जी शोरूम को। मेरा आपके वालिदैन का क्या है सोर्स ऑफ इनकम? मम्मा तो LSW है और बाबा ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते थे। आप कितने बहन भाई हैं? दो भाई और मैं बस। अच्छा तीन हो गए टोटल? एक ये एक भाई है। अच्छा दो टोटल है, एक भाई और एक बहन जी। जो भाई आपके उस दिन वो सिंधई कोर्ट में भी आए होते, तो अब जब आप वापस गए तो भाई के साथ तेरी बात, भाई के थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। नहीं वो तो बहुत अच्छे से इनका मुझे इतना मतलब प्यार है। सही हो गया। नॉर्मल लाइफ में मतलब जैसे लड़की जाती है शादी होकर जब आती है तो वैसे ही था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिंधई कोर्ट में जब आप गए थे आपने मुलाकात नहीं की थी? क्योंकि मुझे याद है मैंने खुद वो देखी थी फुटेज, आप इनके सारे फिर चिपक के बैठी थी जबकि आपकी वालदा बड़ी कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की। अच्छा बता क्या आपको बड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कभी अपनी वालदा पर आता है, कभी उनकी वालदा पर आता है, कभी शाहरुख पर आता है, छोड़ के चली जाती है? मुझे पसंद नहीं है हरकतें इस तरह की होती है। जी शाहरुख की हरकतें इस तरह के हैं, आप ठीक हैं? देखिए वो लोग मुझे फिजूल बातें बोलते हैं, कभी मम्मा लोग के बारे में बोलते हैं, मम्मा लोग इसके बारे में बोलते हैं, मतलब मुझे सबसे प्यार है, किसी के बारे में सुन नहीं सकती। अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तालीम कितनी है? 10th। सही होगा। नजीब आपकी? मेरी भी 10th, सेम है। सेम है जी। आगे कौन पढ़े क्या हो जाए? बस 10 के बाद डायरेक्ट शादी कर ली जी। अभी तो दिए थे मैंने पेपर। अच्छा अभी पेपर दिए थे आपने जी, उसका रिजल्ट है? अच्छा जी। आपकी मुलाकात हुई थी मेहदी अली काजमी साहब की बेटी से, यानी 2000 से, मुलाकात कितने टाइम की हुई थी आपकी? थोड़ी देर तक ही हुई थी, आधे घंटे तक। कितने दिन आप दोनों वहाँ रहे शेल्टर रूम में? मैं तो 2 हफ्ते रही थी, वो 2 दिन। 2 दिन। अच्छा उनके साथ आपकी बातचीत हुई? जी हुई थी, बस आधा घंटा हुई थी ज्यादा। क्या बातचीत हुई ये तफसील से बताएं। मैंने उनसे पूछा था जहीर के बारे में और मतलब बातचीत कैसे हुई थी एज का, तो उन्होंने बोला कि मेरी पबजी से बात हुई। अच्छा उन्होंने ये कहा था जी? सही होगा। और जो एज है मेरी जो है 18 ही है पूरी। सही होगा। अब फिर मैंने बोला मेडिकल में देखते क्या आता तुम्हारा, तो उसने बोला अल्लाह मालिक है। फिर बस ये बात हुई थी, ज्यादा बात करनी नहीं दी थी मुझे।
अच्छा नहीं, वो खुश थी या बहुत ज्यादा खुश थी? बहुत ज्यादा खुश थी, सही हो गया। आज इनकी मेडिकल में सही आएगी जी इस हवाले से। इसके अलावा बाकी कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। आपकी मुलाकात जस्ट दुआ से हुई, बाकी से भी मुलाकात आपकी होती रहती? मतलब बाकी लोग वहाँ पे जो फीचर उनसे तो सबसे मिलता है, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर अगला सवाल मेरा शाहरुख साहब से है कि जब निमरा वापस आ गई, इन्होंने आपसे रब्ता किया था या आपने इनके वालदेन के साथ रब्ता किया था, यानी वापस कैसे है? मैंने इनके वालदेन के साथ रब्ता किया था, उनका तो भेजने का कोई वो नहीं था, वो नहीं भेजना चाहता जी। तो फिर मैंने निमरा से बात की, इसको भी कभी कभी फोन यूज करने देते, वरना जब ये मेरे कॉल आती इससे फोन ले लेते थे, या नेट था वो ऑफ कर देते, वैसे लगा हुआ था वो ऑफ कर देते। तो फिर बात होते रही, इसको मैंने कहा कि आप आ जाओ, तो ये तो नहीं आने देंगे, फिर निमरा मेरे पास आ गए। सही होगा। अच्छा इस हवाले से जब निमरा गई थी कराची में, जिन्हें प्रॉपर तरीके से आपने भेजा था यूं के लिए, तो उस वक्त फिर हमारे कुछ सीनियर हजरात, हमारे जो सीनियर एंकर हैं बड़े रेस्पेक्टफुल हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए कि ये गैंग है, इवन कि आपके ऊपर ये इल्जाम भी है मुबैना तौर पर कि आपको मंशात का कारोबार भी करते हैं, कि आपका जो बिजनेस है वो शोरूम वाला नहीं है, आपका बिजनेस कुछ और है। नहीं इस पे तो ये सारा सारा झूठ है, इसमें कोई 1% भी हकीकत नहीं है, और मुझे शर्म आती है कि हमारे इतने सीनियर लोगों ने ये बातें बोली, उस पे अब क्या कह सकते हैं। बाकी ये सारा सारा झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सारा कुछ फेक है, सारा कुछ फेक है। अच्छा जब निमरा वापस आ गई घर में, तो अब आपके इनके वालदैन के साथ क्या ताल्लुकात है? बस कभी कभार बात हो जाती है, वरना ज्यादा वो नहीं है। ये तकरीबन दोनों तरफ से सेम है, जिस तरह निमरा ने कहा कि आपकी वाला से जो ताल्लुकात है जी, ठीक हो, इसी तरह अभी आपके भी सेम है जी, मेरे भी सेम है, माशाल्लाह क्या बात है। सही हो गया। अच्छा निमरा मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपने मोहब्बत की शादी की है इनसे, तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट जो सिंगर है वो बता दें, फेवरेट सिंगर अपना पसंदीदा अरिजीत सिंह। अच्छा उसका या किसी और सिंगर का जो आपको पसंद है सॉन्ग, वो आप इनको डेडिकेट कर दें। मैं जिस दिन बोला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी और थी मेरी जिंदगी पर। मैं जिस दिन बोला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी हो मेरी जिंदगी का। ये इन्होंने गाना डेडिकेट किया है अपने हस्बैंड को। तो आज मैं तौसा में मौजूद हूँ, इनसे मुलाकात हुई, जो सवालात मेरे जहन में थे या जो सवालात आप लोगों ने भेजे थे आपके जहन में थे, वो हमने इनसे किए। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ, बेशुमार वीडियोस मैं मेहदी अली काजमी साहब की बेटी के ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन ये पहले दिन से मेरा मौकफ यही था कि इन दोनों का जो केस है और मेहदी अली काजमी साहब की जो बेटी का केस है, उसमें यह डिफरेंस है, इनकी एज डिफरेंस है 2011 से, इस तरह ये केस बिल्कुल डिफरेंस है। तो आज जो सवाल आप मेरे जहन में थे, जो आपने भेजे थे, हमने उनसे पूछे, और जो जवाब आप सुनना चाहते थे, जो ये लोग देना चाहते थे, आपने यकीनन देखे होंगे। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक अभी मैं आपको दे देता हूँ, स्क्रीन शॉट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इनके आने वाली जो वीडियोस हैं आप उनको प्रॉपरली, बाकी आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।